प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और खजुराहो से भाजपा प्रत्याशी वीडी शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री देश से गुलामी के चिन्हों को खत्म कर रहे हैं। अब गुलामी का एक ही प्रतीक कांग्रेस बची है, इस बार मोदी उसे भी खत्म कर देंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला और कहा दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं ने हमेशा तुष्टिकरण किया है। उन्होंने कहा कि देश में जितने भी गुलामी के चिन्ह थे उन्हें पीएम मोदी ने मिटा दिया है। मोदी की गारंटी है कि दिल्ली में कर्तव्य पथ बनाकर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगवानी थी, वो लग गई है। अब एक ही गुलामी का प्रतीक बचा है, वो है कांग्रेस। वो भी इस बार मोदी देश से खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा खुजराव से कांग्रेस मैदान छोड़कर भाग गई, हर बूथ पर कांग्रेस इस बार हारेगी। आज बड़ी संख्या में हमारे जनपद के अध्यक्ष आए चंद्रशेखर तिवारी जी और उनकी टीम, पूरी जनपद के सभी सदस्य, कई सरपंच जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है और भारतीय जनता पार्टी के परिवार के वो अभिन्न सदस्य बने हैं। यही भारतीय जनता पार्टी है जिसका कारवां लगातार बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के परिवार में मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूँ और परिवार के सदस्य बन करके हम सब मिलकर के टीम स्पिरिट से काम करेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।